सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आप लोगों को इस वीडियो में सिखाएंगे कि आप लोग जो है कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। एंड गाइस, देख सकते हैं फेस कितना वाइट हो चुका है, एंड बैकग्राउंड देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और क्रिएटिव लग रहा है। और गाइज़, यहाँ देख सकते हैं डॉगी नहीं है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं डॉगी बैठा हो चुका है। तो गाइज़, अगर आप लोग भी इस टाइप का एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से एडिटिंग सिखाऊंगा कि आप लोग इस टाइप का कैसे कर सकते हैं। एंड गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो गाइज़ मेरे चैनल पर आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो में कमेंट कर दीजिए, और गाइज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज, बिना देरी किए हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले अपनी पिक को शेयर कर लीजिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन में, एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है टूल्स पे क्लिक करके इसका डिटेल्स थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे डन कर दीजिएगा। एंड गाइज, इतना करने के बाद फिर टूल्स पे क्लिक करके ट्यून इमेज पे क्लिक करके इसका ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा माइनस करके आप लोग सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस कर दीजिएगा। एंड इतना करने के बाद एमबीपीएंस को बढ़ा दीजिएगा, आप लोग जो है एमबीपीएंस को 70-80 के करीब लिखिएगा, और हाईलाइट को माइनस कर दीजिएगा थोड़ा सा, और सैचुरेशन से डाउन को भी इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड गाइस, इतना करने के बाद आप लोग डन पे क्लिक करके आप लोग फिर से टूल्स पे क्लिक कीजिएगा, एंड टूल्स पे क्लिक करके आप लोग जो है यहाँ से जहाँ जहाँ फेस आप लोगों को ब्लैक लग रहा है आप लोग वहाँ पे अपने फेस के साइड में देखें सेलेक्टिव पे क्लिक करके आप लोग फेस को वाइट कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग फेस को वाइट कर लीजिएगा जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को ब्लैक मिलेगा आप लोग वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। मैं यहाँ फटाक से कर देता हूँ, टूल्स पर क्लिक करके आप लोग सेलेक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, एंड सेलेक्टिव पे क्लिक करके फेस को फटाफट वाइट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं फटाक से कर देता हूँ, एंड यहाँ देख सकते हैं कर दिया, और इतना डन कर दिया। और यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करके आप लोग हीलिंग पे क्लिक करके, और यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो इसको मैं हीलिंग कर दिया, और इतना करने के बाद डन कर देंगे। और इतना डन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग जब फिर से यहाँ पर हैंड पे देख सकते हैं बचा हुआ है तो हैंड पे कर देते हैं, और यहाँ पे बगल में साइड पे लगिएगा, और जहाँ जहाँ ब्लैक है आप लोग वाइट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और इतना करने के बाद आप लोग डन पे क्लिक करके इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा लाइट रूम एप्लीकेशन में। एंड यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक कर चुका हूँ, और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आप लोगों को फोटो जो है शेडिंग होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड गाइस, लाइट रूम में आने के बाद आप लोग जो ये वाली प्रीसेट को यूज़ कीजिएगा। इस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड लाइट रूम में लाने के बाद इसके कॉपी सेटिंग कर लीजिएगा, और अपने फोटो पे आके पेस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग पेस्ट करने के बाद आप लोगों का फोटो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को शेयर का ऑप्शन मिलेगा, एंड शेयर पर क्लिक करके आप लोग इस फोटो को स्क्रैच बुक में शेयर कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर दीजिएगा, और ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे ये वाली ब्रश को चूज कर लीजिएगा, और इसका सेटिंग देख सकते हैं मैं हर बार यही सेटिंग रखता हूँ। तो इसका साइज 26 रख लीजिएगा, और 6 रख के आप लोग जूम करके अपने फोटो का फेस स्मूथ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से फास्ट में स्मूथ कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज, मैं यहाँ पर फास्ट में स्मूथ कर देता हूँ, आप लोग धीरे से स्मूथ कीजिएगा। एंड गाइज, इतना होने के बाद आप लोग फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, और फेस को स्मूथ करने के बाद आप लोग यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके अपने फोटो को फोटो रूम एप्लीकेशन में सेंड कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे चलिए फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज, आप लोगों को यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग इस ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। और गाइज, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है थोड़ा सा 3 या 4 बार जो आप लोग बैकग्राउंड पे क्लिक कर लीजिएगा, और एक बार जो अपने फ़ोटो पे क्लिक कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद आप लोग जी क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है नीचे में ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग ग्लासिन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा, और ग्लासिन का जो है ब्लर आप लोग मतलब इतना रख लीजिएगा, आप लोग जो है 25 रख लीजिएगा। एंड गाइस, 25 रखने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पे शेयर के ऊपर में ऑप्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने इस फोटो को शेयर पे क्लिक करके और इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर चुका हूँ, और यहाँ पे पिक्सआर्ट में क्लिक कर देता हूँ।
तो इस फोटो को आप लोग शेयर कर लीजिएगा पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे पिक्सार पे क्लिक कर जाओ एंड ये फोटो ऑन हो जाएगा पिक्सार में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आने के बाद आप लोग जो है अपने फोटो को रिसाइज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे रिसाइज कर देता हूँ और यहाँ पे फुल रिसाइज का 42 एंड 43 है, तो मैं इसका 42, 43 कर देता हूँ। एंड रिसाइज कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा और ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो है वो वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि आप लोग जो है मतलब ऑटोमेटिक आप लोग फोटो सेव हो जाएगा। जब आप लोग शेयर कीजिएगा स्क्रैचबुक से शेयर कीजिएगा तो आप लोगों का फ़ोटो स्क्रैचबुक वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है इस फोटो को यहाँ पर फुल कर लीजिएगा। और फुल करने के बाद आप लोग इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर इन्वाइट पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर रिस्टोर पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग नीचे से इरेज कर दीजिएगा। इस तरह से इरेज कर दीजिएगा आप लोग, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एंड इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर में आप लोगों का डन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग डन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड डन पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग जो है यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिएगा और डन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एफएक्स इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। और एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग मतलब कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे पहले एफएक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कलर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग इस पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड पे दे दीजिएगा और बैकग्राउंड पे देने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी कलर आ रही है। तो यहाँ पे देने के बाद आप लोग फिर से डन पे क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर में डन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे इस फोटो में अब यहाँ पे आप लोग जो है फिर से यहाँ पे आप लोग जो स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को डाटा आप लोगों को ऑन करना पड़ जाएगा, तो अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और आप लोग स्टिकर पे क्लिक करने के बाद आप लोग डॉग सर्च कीजिएगा, डॉग तो आप लोगों को डॉग आ जाएगा, बहुत सारे डॉग आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे डॉग पे क्लिक करके और यहाँ पे डॉग वाला फ्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो डॉग को मतलब घुमा लीजिएगा और घुमाने के बाद आप लोग यहाँ पर डॉग को ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर डन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस और अपने फ़ोन का डाटा ऑफ कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद आप लोगों को जो मैं बता देता हूँ कि आप लोग पिक्सार बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, इसलिए पिक्सार में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप लोग जो कीजिएगा अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप लोग PNG को ऐड कैसे कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐड फोटो पर क्लिक करके आप लोग ऑल टू ऑल PNG को ऐड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके आप लोग जो है इसका मोड है ब्लाइंड पे क्लिक करके आप लोग इसका स्कैन कर लीजिएगा दोनों का, और यहाँ पे इसका भी स्कैन कर लीजिएगा। तो स्कैन करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग जो है डबल डुप्लीकेट इसका बना लीजिएगा और इसका भी डुप्लीकेट बना लीजिएगा। आप लोग जो है एक यहाँ पर दीजिएगा और एक इसका यहाँ पर दीजिएगा, फिर यहाँ पर दीजिएगा, और इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर भी एक दे दीजिएगा और इसका जो है यहाँ पर आप लोग इतना यहाँ पे कर दीजिएगा और इसको बड़ा करके आप लोग यहाँ पे दे दीजिएगा। और इतना करने के बाद आप लोग जो है इरेज पे क्लिक करके अपने चेहरे पे से इसको इरेज कर दीजिएगा। और इरेज करने के बाद आप लोग डन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस डन पे क्लिक करने के बाद आप लोग जो है एक वोका वाला PNG को ऐड कर लीजिएगा। आप लोगों को वोका वाला PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ऐड कर लीजिएगा और अपने फ़ोटो में। और अगर आप लोगों का हेयर मतलब छोटा लग रहा है तो आप लोग एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन में हेयर बड़ा कर सकते हैं। देख सकते हैं पिक्सार बाहर ही फेंक चुका है, तो गाइस और मतलब फ़ोटो भी एडिट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोग भी इस टाइप का एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अगर आप लोग भी इस टाइप का एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वाली बॉक्स का PNG को आप लोग यहाँ से ब्लाइंड पे क्लिक करके और यहाँ पर दे दीजिएगा और इसका जो है यहाँ पर कैपेसिटी कम कर दीजिएगा और यहाँ से डुप्लीकेट बना बना के आप लोग अपने फ़ोटो में दे दीजिएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।